और कल जब भगवान ने द्वारका में रुक्मिणी जी को लाकर धूमधाम से पाणी ग्रहण अर्थात विवाह आदि का संस्कार कर्म करते हैं, श्री सुख उवाच सत्राजितः स्वतनया कृष्णाय कृत किल्बिषः स्यमन्तकेन मनिना स्वयं उद्यम्य दत्तम्। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि हे परीक्षित, आज जो हम तुम्हें कथा सुना रहे हैं इस कथा को श्रवण करने से संपूर्ण 18 पुराणों का जो कथा को सुनता है केवल भागवत कथा के सप्तम दिवस के कथा को श्रवण कर फल प्राप्त किया जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने तो मुझे भक्ति में लीन कर दिया है, अब मुझे भगवान और भगवान के किए हुए कर्म और लीला ही केवल मेरे चिंतन मनन में है। और सुखदेव जी कहते हैं कि कथा को बड़े ध्यान से सुनो, एक समय की बात है द्वारकापुरी में सत्राजित नामक यादवों के सरदार थे। उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना करके भगवान सूर्य से स्यमंतक मणि प्राप्त किया था। जब स्यमंतक मणि प्राप्त किया था तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्राजित जी, यह मणि आपके किसी काम का नहीं है, क्यों नहीं आप इसे अपने राजा उग्रसेन जी को दे देते हैं। इस पर सत्राजित उनको वह मणि नहीं देते हैं, और जब वह मणि नहीं देते हैं सत्राजित के भाई का नाम था हसैन। एक दिन की बात है, प्रसेन जी ने उस स्यमंतक मणि को गले में धारण कर जंगल में शिकार की। जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे और क्या होता है, जब सत्राजित शिकार करने गए थे तो प्रसेन ने क्या किया, उनके मणि को Thank you.
जब शिकार खेलने के लिए गए हुए थे तो एक सिंह ने, एक शेर ने और उस शेर ने प्रसेन को मार दिया। और जब मार दिया तो वह तो शेर को चला गया होगा कहीं, और मरे हुए अवस्था में उनके गले में मणि। और उधर से जामवंत जी आ रहे थे और उनके मणि को लेकर वे अपनी गुफा में चले जाते हैं। और एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण जब सत्राधिक ने सबो को यह कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने मणि मांगा था, यह जो मणि है भगवान श्री कृष्ण ने मांगा था, उनको हमने नहीं दिया, जिसके चलते प्रसेन को मारकर भगवान श्री कृष्ण ने ही मणि को ले लिया होगा। मणि को प्रसेन को मारकर कृष्ण ने ले लिया है। अब कलंक लग गया किन पे? भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर। और भागवत कहता है कि सबसे बड़ा अगर कोई दाग है तो वो है कलंक का। जोरदार ताली होना चाहिए कि कभी भी किसी के ऊपर कलंक ना लगे। और अगर कलंक लग जाता है तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि उस कलंक को मिटाने के लिए अपने मन में विचार करते हैं कि चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, अब तो कलंक मुझे अपने से ही यह सिद्ध करना होगा कि यह मैंने मणि नहीं लिया है। और भगवान श्री कृष्ण चल पड़ते हैं उस ओर जहां पर प्रसेन जी को मारा गया हुआ मिला था। और जब वहां भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं तो खोजते 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 पहुंच जाते हैं एक गुफा में। और जब गुफा में पहुंच जाते हैं तो उस गुफा में भगवान श्री कृष्ण ने क्या देखा कि कुछ बच्चे गेंद समझकर उस मणि से खेल रहे थे। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया 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 पिया, मैं तुमको दिझाऊंगी बन की जोगनिया।
जब भगवान श्री कृष्ण गुफा में पहुंचते हैं, बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या सोचा? भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यह जो बच्चे मनी खेल रहे थे, उनसे मनी लेने के लिए चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण। बच्चे रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और जब बच्चे चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, तो क्या करते हैं पता है? बच्चे के मालिक, बच्चे के पेरेंट्स उधर से निकल पड़ते हैं, और जब निकल पड़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाते हैं। ये हमारे भगवान हैं, पहचान नहीं पाते हैं। और क्या होता है, जब भगवान श्री कृष्ण ने मनी लेना ही चाहा और वे आ जाते हैं, तो कहते हैं कि क्यों बच्चे को कष्ट दे रहे हो, क्यों बच्चे को ये कर रहे हो? तो कहते हैं कि आपके बच्चे इस मनी को लेके खेल रहे हैं, मनी में लेना चाहता था। और इतने में क्या होता है, ना भगवान की सुनते हैं, और भगवान जब सुनाते हैं तो भी जामवंत जी भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, और जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण में युद्ध होने लगता है। और जब युद्ध होने लगता है, जब जामवंत जी नहीं पहचाना, तो दोनों में भक्त और भगवान में युद्ध होने लगता है। और जामवंत में भगवान में युद्ध जब चलने लगता है, तो ना भक्त हारते हैं ना भगवान हारते हैं। और अंतिम क्या होता है, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 27 दिन तक युद्ध चलता है दोनों में। और युद्ध होते होते भगवान के पैर को जामवंत जी देख लेते हैं। कैसे देख लेते हैं? भगवान जी ने पांव से जामवंत जी के ऊपर प्रहार किया, और भगवान के पैर के पद चिन्हों को देख लेते हैं। जामवंत जैसे ही देखते हैं, उनके चरणों में वीर पड़ते हैं, और जब वीर पड़ते हैं तो भगवान उनको उठा के अपने हृदय से लगा लेते हैं। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। और जब भक्त और भगवान मिल जाते हैं, तो भगवान को वह मनी के साथ, भगवान को वह मनी के साथ अपनी कन्या जामवंती जी को भगवान को समर्पित कर देते हैं। और भगवान जामवंती जी को लेकर आते हैं, और वह मनी उग्रसेन जी को दे देते हैं। उग्रसेन जी ने क्या किया, उस मनी को फिर सत्राजीत जी को दे देते हैं। और जामवंती जी से द्वारका में आकर विधि विधान से पानी ग्रहण का कार्य करते हैं। और एक समय की बात है, भौमासुर दैत्य ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियों को छीनकर अपने यहां रख छोड़ी थी। इन सब को उसने दुर्गम कैद में डाल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को के सताए हुए सभी राजाओं के राजकुमारियों को बंदी खाने में जो रखे हुए थे, तो उनके मंत्री आके कहते हैं, भगवान कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, आप जाओ
भौमासुर का जो होना है वो होके रहेगा। और भगवान श्री कृष्ण दूसरे ही दिन चल पड़ते हैं, और जब चल पड़ते हैं तो भौमासुर से भगवान का भयंकर युद्ध होता है, और युद्ध में भौमासुर का उद्धार कर देते हैं, और उद्धार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण आदेश देते हैं कि सभी राजकुमारियों को दुर्गा नामक बंदी खाने से मुक्त कर दिया जाए। और इधर भगवान ने अपने मन में सोचा कि अब तो मैं इन राजकुमारियों को 16,100 राजकुमारियों को मुक्त करवा दिए हैं, और इनको अब कह देना चाहिए कि आप अपने अपने घर को जाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजकुमारियों, आप अपने अपने घर की ओर जाइए। सभी राजकुमारी एक साथ कहते हैं कि हे महाराज, मैं कहां जाऊं? हम लोगों का तो ना घर है, ना बार है, ना ठिकाना है। आपने तो बहुत बड़ा संकट में डाल दिया हम लोगों को, क्योंकि अगर बंदी गृह में थी तो वहां भोजन मुफ्त, रहने का कोई चिंता नहीं। जो जेल में रह गए हैं उसको कोई चिंता होता है रहने का? खाना फ्री, नहाना फ्री, सब चीज फ्री। सो प्रभु, आपने तो बड़े संकट में डाल दिया, अब कहां जाऊं मैं? और उधर वृंदावन में जब से भगवान छोड़ के वहां आए हैं, उस वृंदावन में जितने भी गायें, बछड़े, राधा एवं राधा की सभी सखियां, बंगर, भालू, वृक्ष भोजन पानी नहीं कर रहे हैं, भोजन पानी बंद कर दिए हैं। और भगवान से मन ही मन राधा और सखियां प्रार्थना करती हैं कि हे श्री कृष्ण, तेरे बगैर मैं कैसे रहूं, तेरे बगैर मैं कैसे रहूं कृष्ण? एक तुम हो, जब से गए हो तेरी यादों में हम तुम्हारे नाम को लेते हैं। तेरे बगैर सावरिया इंडिया नहीं जाए, तेरे बगैर सावरिया जिया नहीं जाए, हो आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सावरिया जिया I'm
भगवत और भागवत की कथाएं मनुष्य जीवन को शांति एवं आनंद प्रदान करती है। जोरदार ताली होना चाहिए। और भौमा सुर के यहाँ से मुक्त किए गए सभी राजकुमारियों ने एक साथ एक वचन में कहती हैं, एक बार बोलती हैं, हे महाराज जी, अब हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, अब हम लोग सब जो है आप कि, हम लोग सभी अपने अपने मन में विचार कर लिए हैं कि बस हम लोग सभी आपके साथ ही और आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है, अब चाहे जो हो, अब हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। भगवान को जब यह सभी राजकुमारियों ने प्रार्थना करके एक साथ कहती है, और जब सभी राजकुमारियों ने कहा तो भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जैसी आपकी इच्छा वैसा ही कार्य। और सब कोई चल पड़ते हैं 16,100 राजकुमारी भगवान श्री कृष्ण के नगरी द्वारिका में। और द्वारिका में जाके भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग रूप बनाकर सबसे पानी ग्रहण करते हैं, विवाह का कार्य करते हैं। अब वृंदावन में कैलाश जी अब केवल एक ही नाम की विद्वान ने सभी भक्तों का उद्धार किया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल Thank you.
अन्य विवाहों की कथा को हम सुन रहे हैं। श्री शुक उवाच एकदा पांडवान् द्रष्टुं प्रतितान् पुरुषोत्तम इन्द्रप्रस्थं गतः श्रीमान् योधानादेभिः। जब भगवान पांडवों के पास गए हुए थे, यह कथा उस समय की है, लाक्षा भवन में जब पांडव नहीं चले थे उस समय की यह कथा है, और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे। और एक दिन अर्जुन के साथ शिकार के लिए गए हुए थे, और जब शिकार के लिए गए हुए थे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथी का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। और याद रखिए, भागवत संदेश देता है कि जीवन में अगर सारथी बनाओ तो भगवान को बनाओ, जो तेरा वो कहीं रथ डूबने नहीं देगा। और जब रथ डूबने नहीं देगा तो क्या होगा, आपका रथ चलते रहेगा। जोरदार ताली होना चाहिए कि हम भी भगवान को ही साथी मानते हैं। ऐसा नहीं कि जब दुख तकलीफ आते भगवान को पुकार लो, दुख तकलीफ खत्म हो गया, भगवान खत्म, ऐसा भी होता है, ऐसा ही भक्ति होता है। कलयुग में ऐसा ही भक्ति होता है कि पैर में दर्द है, भगवान को गरज लो, आवाज लगा दो, पैर का दर्द खत्म हो गया, भगवान का नाम भूल गए, बेटा का शादी नहीं हो रहा, बेटी का शादी नहीं हो रहा है, पति पत्नी में अनबन चल रहा है, उसमें भगवान को 16,000 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके ठीक कर लो, और जब ठीक हो जाए तो फिर भगवान ठीक हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। भागवत कहता है कि अपने जीवन में सभी मानव को चाहिए कि भगवान को सारथी बना के जिए। और उस समय भगवान के साथी बन गए थे अर्जुन, और अर्जुन रथ को चला रहे थे, भगवान बैठे हुए थे, और घनघोर जंगल में चले जाते हैं, और जंगल में जब चले जाते हैं तो एक सुंदर कन्या भगवान के नाम को जप रही थी, और आवाज सुनाई पड़ रहा था, ओम नमो ने सुन लिया। तो भगवान कहते हैं अपने सखा से। देखिए भागवत एक एक बात पे गौर किया जाए तो मानव जीवन कभी जो है दुख में नहीं रह सकता। मानव अपना बुद्धि लगा देता है तब वह दुख में प्रवेश कर जाता है। अब कहा गया है
कि भागवत कथा में कहा गया है अभी मैंने कहा कि सारथी भगवान को बनाना चाहिए। मैं अभी तुरंत कह रहा हूं कि अगर जिस तरह हम लोग प्रार्थना में कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव सखा त्वमेव सखा मतलब क्या हो रहा है मित्र। भागवत में ये भी कहा गया है कि मित्र किसको बनाना चाहिए, भगवान को बनाना चाहिए। क्योंकि क्यों भगवान को बनाना चाहिए, तो भगवान का स्वरूप ही तो है ना, कि आप उनसे तुष्टि करो जो आपसे निस्वार्थ भाव रखे और जो आपसे स्वार्थ की बात करे उससे कदापि दोस्ती नहीं करना चाहिए। जोरदार ताली होना चाहिए। अब अपने सखा अर्जुन से कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, हे अर्जुन तूने कुछ सुना क्या? नहीं प्रभु, मैं तो आपके नाम को ले रहा था, मैंने तो कुछ नहीं सुना। और फिर से आवाज वही, ओम नमो नारायण। कहते हैं अर्जुन इस बार सुना? हाँ स्वामी कुछ सुना। भगवान ने आदेश दिया अर्जुन को कि जाके देखो यह आवाज किधर से, कहां से और कैसे। अर्जुन रथ पर से उतर के जाते हैं और देखते हैं क्या कि एक सुंदर कन्या अपनी आंखों को बंद किए हुए तपस्या में लीन, अपनी आंखों को बंद किए हुए भगवान की तपस्या में लीन। अर्जुन जी जाते हैं और कहते हैं कि हे सुंदरी, हमें भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है और मैं उन्हीं के कहने पर यहाँ आया हूँ, आप बताइए आप तपस्या क्यों कर रहे हैं। और भागवत में कहा गया है व्यर्थ का आप जीवन में इधर उधर न करें, व्यर्थ की बातों में जीवन को ना उलझाएं। भागवत ये कहता है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, हम लोग अपने जीवन को व्यर्थ में भी उलझाते रहते हैं, जो कि और हम लोग उलझते रह रहे हैं जीवन में। और उस कन्या के पास से जब अर्जुन को कोई संकेत नहीं मिलता है, जवाब नहीं मिलता है, तो क्या होता है, अर्जुन वापस आ जाते हैं। और जब अर्जुन वापस आ जाते हैं तो क्या होता है, भगवान को कहते हैं, भगवान कहते हैं कि क्या हुआ अर्जुन, तो भगवान को कहते हैं ऐसा ऐसा बात स्वामी, मैं जब वहां पहुंचा तो जय जय सियाराम कोई जवाब नहीं मिला, वो कन्या आपके नाम को ही भजने में लीन थे। हमारे ठाकुर जी कहते चलो देखें कैसे ऐसा है, जो कि एकदम लीन है। भगवान जाते हैं अर्जुन के साथ और भगवान कहते हैं कि हे कन्या अपनी आंखों को खोलो, देखो मैं श्री कृष्ण तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, मैं श्री कृष्ण तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। और अपनी आंखों को वह कन्या खोल देती है
और वह कन्या कौन थी? कालिंदी जी थी। और भगवान कहते हैं कि क्यों तू इतनी सफल वन में घने वन में तपस्या कर रही हो, क्या बात है बताओ? तो वह कन्या कहती है कि मैं नारायण को अपना पति बनाना चाहती हूँ और यह तपस्या उसी के लिए कर रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही नारायण हूँ, मैं ही श्री कृष्ण हूँ, मैं ही विष्णु हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ दिया और दूसरा हाथ उधर कालिंदी जी का भगवान के हाथ में आ जाते हैं और भगवान जी उनको रथ पर बिठाकर इंद्रप्रस्थ लाते हैं और इंद्रप्रस्थ लाने के बाद जब द्वारिका जाते हैं तो द्वारिका में कालिंदी जी के साथ भी पानी ग्रहण करते हैं। मेरे श्याम प्रिया कैसा जादू किया, जादू ऐसा छाया मजा आ गया। मेरे श्याम प्रिया कैसा जादू किया, जादू ऐसा छाया मजा आ गया। दिल मेरा खो गया, अजना हो गया, दिल मेरा खो गया, मैं फना हो गया, मस्ती कैसी आई हरी, खुशियाँ भी बन में
कहते हैं एक समय की बात है, सुखदेव जी कथा कर रहे हैं और परीक्षित जी सुन सुनकर भगवान के चिंतन मनन में लीन और सुखदेव जी कहते हैं कि पांडवों के पास से जाने के बाद कालिंदी जी से पानी ग्रहण करते हैं और एक बिंद और अनुबिंद नामक दो भाई थे। मित्र और अनुबिंद नामक दो भाई थे, वे दुर्योधन के दूर से संबंधित में आते थे। दुर्योधन के दूर के संबंधी थे और एक बार और यह जो मित्र अनुबिंद थे अवंती देश के राजा थे, उज्जैन देश के राजा थे। मित्र और अनुबिंद के बहन के स्वयंवर में क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने मित्र बिंदा का मित्र बिंदा को स्वयंवर में जीत लेते हैं और मित्र बिंदा को लेकर आते हैं द्वारिका और द्वारिका में आकर उनके साथ पानी ग्रहण करते हैं। जोर से बोलना पड़ेगा। और एक समय की बात है, नग्न जी कोसल देश के राजा थे, नग्न जी उनकी कन्या का नाम थी सप्तिया। कहते हैं ना, मैंने कहा था भगवत कथा में भी कि पहले के लड़कों का लड़की का शादी होता था, कुछ करार करके कुछ प्रतिज्ञा करके, तो नग्न जीत ने यह प्रतिज्ञा रखा था कि इस सात बैलों को दुर्दांत बैलों को एक साथ जो नाथ देगा, एक हाथ से नहीं एक साथ जो नाथ देगा, मैं उनकी यानी कि अपनी कन्या का शादी उनसे करा दूंगा। बैल को कोई नाम नहीं पा रहे थे, अनेक अनेक राजा आए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, खड़े होते हैं और खड़े होते हैं तो भगवान को भी परेशान किया उस दुर्दांत बैलों ने। और भगवान ने क्या किया, एक ही हाथ से उन बैलों को नाथ देते हैं। और जब नाथ देते हैं, क्यों नाथ देते हैं, जब भगवान हमारे जगन्नाथ हैं, जगत के नाथ हैं, तो वो क्या एक बैल को नाथ नहीं सकते हैं, एक ही हाथ से नाथ दिया और नग्न जीत ने अपनी कन्या सत्या जी को उपहार के साथ भगवान श्री कृष्ण को देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण सत्या को लाकर द्वारका में विधि विधान से उनके साथ में शादी करते हैं। और कृष्ण की बुआ सुख गिरगी देश में ब्याही गई थी, संतरतन आदि भाई ने स्वयं ही भद्रा को भगवान श्री कृष्ण के हाथों में हाथ दे देते हैं और भगवान श्री कृष्ण द्वारका में आकर उनके साथ भी पानी ग्रहण करते हैं। और जब पानी ग्रहण करते हैं
भगवान के साथी का याद कीजिएगा, कितना साथी हो गया, हम लोग कथा कर रहे हैं सीधा कर देंगे, इतना साथी भगवान ने किया है। और मध्य प्रदेश के राजा की कन्या अकेले स्वयंवर में भगवान ने लक्ष्मणा को हर लिया और द्वारिका में लाकर उनके साथ भी पानी ग्रहण किया। और भगवान का शादी पूर जाता है, कर कितना पता है, 16,108 शादी किए थे भगवान श्री कृष्ण ने। अब उधर भगवान इधर शादी कर रहे हैं, 16,108 पूर गया। और उधर वृंदावन में माता घर के सामने बैठकर आने जाने वालों को कहती थी कि हे आने जाने वाले, जरा मेरा कृष्ण अगर मिले तो मेरे कृष्ण को कहना कि उनकी मैया उनकी राह देख रहे हैं, वो जल्दी आ गए। और वह जसोदा जिनका बाप एकदम गंगा जल के समान और राधा सखियों के संग, राधा सखियों के संग भगवान को याद करते हुए भगवान से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे सामने कब आओगे, आ जाओ आ जाओ। मैं देखूं, मैं देखूं, मैं देखूं जिस और सखी रे दामन जो बनाया
Ah!
मुझे उनके मन में यह था, मुझे कौन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, मुझे कौन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। भगवान के मन में यह था, और क्या तो युद्ध भूमि पे श्री कृष्ण ने सीती को देखा, तो दोनों में युद्ध के पहले दोनों का आतिथ्य सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, दोनों को प्रणाम करते हैं। हाँ, और मानव क्या है कि एक स्वार्थ के लिए हर घर में झगड़ा पड़ा हुआ है, अभी भाई भाई में झगड़ा पड़ा हुआ है, कोई अपने स्वार्थ से हटना ही नहीं चाहता, थोड़ा सा साइड भी नहीं होना चाहता, गोतनी गोतनी में कलह है, घर घर में कलह है, माँ बेटी पुतहु अन्य में कलह है। क्यों कलह है? अगर सास के साथ पुतहु का नहीं जमता है, तो सास के साथ अगर पुतहु का नहीं जमता है, क्यों नहीं जमता है? आपकी जब बेटी अपने घर आती है, ससुराल से तो कितना मांगती है आपसे, कितना मांगती है, और अगर दूसरे घर की पराई औरत आपके घर में आती है, तो उसी में वो दर्जा क्यों नहीं मिलता है? जिस गांव में यह भाव आ जाए, उस घर में बेटी हो या पुतहु हो, कभी नहीं करेगा। जोरदार ताली होना चाहिए भागवत कसी को लेने के लिए। और कहा गया है, भाई भाई में जो तनाव है, उसका मुख्य कारण है धन, मुख्य कारण है धन और मन। तन तो सबका एक होता है, तन जो होता है एक, माता पिता जितने संतान को उत्पत्ति करते हैं, सृष्टि करते हैं, सबका तन में एक रथ रहता है, इसलिए वह जो है सब एक समान है। लेकिन बड़ों का मान नहीं हो रहा है कलयुग में, कुछ बड़े होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं वो साइड ले लेते हैं, और जो बुद्धिमान नहीं होते हैं वे भाई से लड़ने तक लगते हैं, हाँ भाई से लड़ने लगते हैं, और ऐसा हो जाता है कि घर बर्बाद हो जाता है। तो आज कलयुग में भागवत कहता है कि एक माता पिता को अगर चार पांच तीन दो जितने भी संसाने हो, सबको एक समान देखना चाहिए, उनके नजर में सभी संतानों का परिवेश और मूल्य एक जैसा होना चाहिए। लेकिन आजकल के माता पिता भी अपने बच्चों को इस दिशा में नहीं, ऊंच और नीच की दिशा में देखते हैं, जिसके चलते वहां कलह बराबर होते रहता है। और भागवत कहता है कि जिस घर में कलह घुस गया, वह घर बर्बाद हो जाता है। कैसे? जब कौरवों के घर में कलह घुस गया था, तो कौरव जो शक्तिशाली थे वे चूर चूर हो गए थे। रावण के घर में जब कलह घुस गया, तो रावण का नाश हो गया। कंस के घर में जब घुस गया, तो क्या हुआ? कंस का भी राजपाट नाश हो गया। और आज समाज में हर हर नाश की ओर है। आज समाज में, जिले में, राजधानी में, देश में, सब जगह एक ही चीज बना हुआ है, मिला हुआ है, देखा जाता है कि सब विनाश की ओर जा रहे हैं। और जो बुद्धिमान होते हैं ना, वो कुछ कहने वाले नहीं है किन्हीं को, जो बुद्धिमान होते हैं, भागवत कहता है कि जो जिनमें बुद्धि है वो किसी को कुछ नहीं कहेगा, वो साइड हो जाएगा और सुनाएगा तो भगवान को सुनाएगा। हाँ, क्यों सुनाएगा? वो ज्ञानी है, उसे दो अक्षर का ज्ञान है, वह जानता है कि घर क्या है, समाज क्या है, व्यवहार क्या है, और आहार
आचार क्या है, आहार क्या है। भागवत कितना अच्छा संदेश देता है आपको घर जोड़ने का। आप अपने घर में अगर आप टेलीविजन पे देख रही हैं, कौन सा सीरियल, सास भी कभी बहू थी, बड़ा मजा आ रहा है। अगर आपकी बहू देखने लगे कि बहू भी कभी सास होगी तो बंद करो टीवी। ऐसा होता है ना, जोरदार ताली होना चाहिए। सब मिलके देखिए अच्छा था, कौन सा, हर महादेव, सीताराम, जय श्री कृष्ण, रामायण, यह सब धारावाहिक देखिए, सब मिलके देखिएगा। हाँ, अभी जो टेलीविजन में देखते हैं ना, सबका अलग अलग उनका बना दिया है। हाँ, किसी में देखिए सीरियल जो बनाया गया है वह स्पेशली के लिए बनाया गया है। हाँ, स्पेशली में मत जाइए, सार्वजनिक में रहिए, जीवन चचक चकाचक रहेगा। जैसे स्पेशल होइएगा, नास नास होके, खंड खंड होके, चूर चूर होके बर्बाद हो जाइएगा। कोई आपको नहीं बचा पाएगा, समाज को नहीं बचा पाएगा। और समाज को अगर बचाएगा तो आप में जितना धर्म है, आप में जितना धर्म है वही समाज को और आपके घर को बचाएगा। कैसे बचाएगा, कैसे बचाएगा? तो एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे, उनको इतना पैसा था, इतना पैसा था, इतना पैसा था, इतना पैसा था कि उनके पैसे में कीड़े लगते थे। आप लोगों के पैसे में कभी कीड़े लगे हैं क्या? नहीं, आप लोग गलत बोलते हैं। आप 10 रुपया को रख दीजिएगा किसी जगह और साल भर नहीं छोड़िएगा, देखिएगा उसमें कीड़े लग जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से लाखों को जलते देखा है, लाखों को जलते नहीं, करोड़ों को जलते देखा मैंने अपनी आंखों से। और लाख को इस गाँव में मैंने देखा, ऐसे किया ढगिया नीचे, बोरा का बोरा पैसा को जलते हुए मैंने देखा। और उस पैसे को एक साल के बाद निकाली, देखिए कैसे चुप्पी लग जाता है उसमें। और एक सेठ जी थे, इतने पैसे वाले थे कि मत पूछिए कितना वर्णन कीजिए उतना कम। एक दिन की बात है, सेठ जी बेचारे क्या किया, अपने नौकर रामू से, रामू आज जो है चलो बाजार। सेठ जी कोई विशेष बात क्या, अरे चलो सामग्री लेते आते हैं, सामग्री जो है घर का सब लेते आते हैं, फिर तो आगे पर्व है तो पर्व में क्यों जाएंगे भीड़ भाड़ में। सेठ जी बेचारे रामू के साथ होकर टोटो रिक्शा से, टोटो रिक्शा से चल पड़ते हैं। ये जो नया वाला निकला है ई रिक्शा, बैटरी वाला जो निकला है, इसी से चले। और जब चले तो मार्केट पहुंचने के बाद बाजार में जो वस्तु खरीदना था खरीद लिया, और जब वस्तु खरीद लिया तो आ रहे थे रोड पर से बड़े एकदम पसीनामय। और कहते हैं ना कि आपके घर में कभी तोते बैठे हैं क्या, आपके घर में तोते का आवाज कभी सुनने को मिला है? तो पक्षी का बड़ा मधुर आवाज होता है, एक तोता का, दूसरा कोयल का, और ये दोनों आवाज जो है बड़े मधुर होते हैं। तो पंछी के दुकान के पास से जब गुजर रहे थे तो उस पंछी के अब बेचारे सेठ जी कहते हैं कि अरे बहुत अच्छा आवाज लगता है रामू, जरा चलो तो उस दुकान पर, आवाज बहुत अच्छा लगा।
और सेठ जी पहुंच जाते हैं उस दुकान पर जाकर कहते हैं कि हे दुकानदार से, कि हे भाई ये बता कि ये जो तोते का आवाज बहुत अच्छा लगा हमें सुनने पे, तोते का आवाज जो है बड़ा अच्छा लगा सुनने को, तो इस तोते का नाम क्या है? सेठ जी हमारी दुकान में बहुत तोते हैं, कैसा तोता लेना है आपको? सेठ जी कहते हैं कि जो सबसे अच्छे तोते आपके पास हो बताइए। तो ये सेठ जी ये 1000 का, ये 2000 का, ये 5000 का, ये 7000 का। अच्छा, तो 7000 वाला जो है उसमें क्या खूबी है? करके देखिए, यह सब तोता तो बहुत दिन से पड़ा हुआ है, लेकिन परसों ही यह तोता आया है। और तोता जो आया है इनके साथ, एक तोता के साथ एक तोता फ्री है। बोलना पड़ेगा राधे, मानव जीवन को कभी फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भागवत संदेश देता है कि मानव जीवन को कभी भी फ्री के आइटम में नहीं जाना चाहिए, डिस्काउंट के आइटम में नहीं जाना चाहिए, वहां मानव जीवन को घटा ही घटा मिलेगा। वहां मानव को कभी नफा नहीं मिल सकता। और सेठ जी ने कहा कि क्या इसमें गिफ्ट है? तो एक तोते के साथ एक तोता गिफ्ट है। ये तो अच्छी बात है भाई कि एक तोता के साथ एक तोता गिफ्ट है। और उधर राधा सखियों के संग, राधा सखियों के संग सांवरिया को खुश नहीं हुए कि तुझे क्या पता कृष्ण, जब से तुम गए हो ना खाता हूँ, ना पीता हूँ, ना सोता हूँ, ना जगता हूँ, ना कुछ भी करता हूँ, बस एक ही रग तेरा है। एक बार तो कन्हैया राधा बनकर देख, एक बार तो राधा बनकर देख कि मैं किस कष्ट में हूँ, किस तकलीफ में हूँ और मेरा इलाज क्या है। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो।
जब किसी का शादी होना रहता है, नया नया हो जाता है, और जब पति पत्नी अलग हो जाते हैं तो कैसा होता है? जब कोई लेते आया गया है, और इसे जो खरीदेगा
इसका दाम 7,000 रुपया है सेठ जी, इसके साथ एक तोहफा गिफ्ट में मिलेगा। ज्यादा ताली होना चाहिए कि हम लोगों को गिफ्ट नहीं चाहिए, फ्री नहीं चाहिए। और सेठ जी ने उस तोते को खरीद लिया, और जब तोते को खरीद लिया तो घर आ जाते हैं दोनों तोते को लेकर, दोनों तोते को लेकर सेठ जी घर आ जाते हैं। और जब घर आ जाते हैं तो क्या होता है, खाना पीना खा लेने के बाद सेठ जी कहते हैं अपने नौकर रामू से, रामू हमारी देखो ऐसा करो, देखो ऐसा करो कि आज जो तोता खरीद के लाए हैं उस तोते को मेरे सिरमने से कुछ दूरी पर रख दो। रख दिया और सेठ जी बेचारे सो जाते हैं, और जब सो जाते हैं तो रात्रि काल में, रात्रि काल में रात्रि काल में जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, रात्रि काल में जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, भाई बजता है तो वह तोता जो है बोलना शुरू कर देता है, सीता राम राधे कृष्णा भगवान के नामों को जपने लगते हैं। और जब भगवान के नामों को जपने लगते हैं, भगवान के नामों को जब जपने लगते हैं तो सेठ जी का नींद खुल जाता है। जब सेठ जी का नींद खुल जाता है तो सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि चलो जीवन में मैंने तो केवल जीवन भर मैंने केवल कमाने का कार्य किया, लेकिन आज जो मैं बाजार से खरीदा हूँ जीवन में बहुत अच्छा काम किया है मैंने। हाँ, और उस तोते के साथ सेठ जी भी भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं। और सवेरे जब होते हैं तो अपने नौकर से कहते हैं कि रामू, मैंने जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं किया है, लेकिन भगवान का कृपा देखो, भगवान का कृपा देखो कि मैंने जो है कि तोता जो खरीदा कितना ज्ञान मुझे मिला। और कहा गया है भागवत में, जिस मानव को ज्ञान ना हो वह पशु के समान है। अब इसके हाथ उठाने कह दूंगा, रखा ही देखिए ये ज्ञानी का हाथ उठा कि पशु का हाथ उठा, हाँ ज्ञानी का हाथ उठा, और जोर से बोलना पड़ेगा। देखो भाई, वृंदावन में ये राधे राधे नहीं चलता था, जब बोलबम जाते हैं तो देखते हैं ना क्या आवाज सुनने को मिलता है, कोई आवाज सुनने को मिलता है क्या, नहीं ना। तो यहाँ राधे राधे करने के लिए आप लोग आए हैं, तो यहाँ आवाज क्या मिलना चाहिए, जोर से बोलना पड़ेगा। और उस तोते के बारे में सेठ जी ने दिन भर वर्णन किया, क्या जो भी आता था उनके पास नहीं करता, तोता जो है इतना भगवान का नाम लिया, इतना भगवान का नाम लिया कि मत पूछिए। और दूसरे दिन सेठ जी ने खाना पीना खाने के बाद कहा, रामू, हाँ सेठ जी, अरे जरा आज तोते के साथ जो तोता आया है
तोते के साथ जो तोता आया है उस तोते को लगा देना मेरे बिस्तर के बगल में। कहते हैं कि बिस्तर के बगल में तोते को लगा देते हैं, कौन तोता? फ्री वाला तोता। फ्री वाला तोता लगा दो बाबू, लगा दिया। रात के काम में जब ढाई बजा तो वह तोता ने क्या किया, गाली देना शुरू कर दिया। हाँ, ऐसा ऐसा गाली देना शुरू कर दिया, डिक्शनरी से निकाल निकाल के गाली कपना शुरू कर दिया। और जब गाली सुनते सुनते आते हैं ना, सेठ जी ने सोचा हो सकता है कि दो चार गाली देगा, दस गाली देगा, उसके बाद भगवान का नाम बोलेगा। सेठ जी बेचारे आसे में रहे लेकिन एक भी भगवान का नाम नहीं। सेठ जी को गुस्सा लग गया, सेठ जी को गुस्सा लग गया। और जब सेठ जी को गुस्सा लग गया तो सेठ जी ने उसी आधी रात में हाँ ब्रह्म मुहूर्त में कुछ कल बाद आवाज लगाते हैं, रामो। अब पता ये बेचारे सोने के लिए दो घंटा भी नहीं था, एक नौकर तो सबसे अंत में आप देगा। नौकर कब सोता है, घर की स्त्रियां कब सोती है, सबसे बाद। उसके बाद भी जिस घर में नौकर रहते हैं नौकर का पारी आता है और वो सोते हैं तो क्या होता है वहां। राम जाग जाते हैं, हाँ मालिक। राम आ जाते हैं और जब राम आ जाते हैं तो सेठ जी बड़ी जोर आवाज में कहते हैं, सेठ जी बड़े जोरों से कहते हैं कि रामू इस तोते को उठाओ और इसे बाहर रखाओ, बाहर फेंक दो। और जैसे ही रामू ने उस तोते के पिंजरे को उठाया बाहर करने लगा, रूम के बाहर क्या था, दूसरा तोता भी था। उस तोते ने रामू को रोक लिया, बोला रामू भैया, तोते ने आप रुक जाओ, तोते को जो ये जो ले जा रहे हो फेंकने इसे फेंको मत, इसे फेंको मत। क्यों नहीं, रामू ने सोचा मन में, मुझे तो सेठ जी ने कह दिया है और जो मालिक कह देता है ना वो करना पड़ता है। रामू ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तब रामू और जब यह हो रहा था ना तो सेठ जी भी दरवाजे पर आकर यह सब बात को सुन रहे थे, देख रहे थे। और जब देख रहे थे सुन रहे थे तो उस तोते ने कहा, देखिए देखो भैया, यह जो है ना हमारा सगा भाई है, यह जो तोता है हमारा सगा भाई है, और हम दोनों सगे भाई थे और एक वृक्ष पर रहते थे। और जब एक वृक्ष पर रहते थे, एक दिन की बात है, जोरों का आंधी तूफान बरसा, thank you.
दो तीन दिन में होली भी आनी है और बरसाने की होली बहुत प्रसिद्ध है। तो क्या कहना है, तारे से गोरे बनाए गए हैं, गोरे परेशान बारी, तारे से गोरे बनाए गए हैं, गोरे परेशान बारी, तारे से गोरे बनाए गए हैं, गोरे परेशान बारी।
जय जय श्री राधे। और आप सभी भक्तों से एक बात कहनी थी कि इस कथा में जिन्होंने सहयोग राशि नहीं दिया है उनसे विनम्र प्रार्थना है, कृतज्ञ प्रार्थना है, आरजू है कि आप आज अंतिम दिवस है कथा का, तो जो बन सके जहां तक हो सके इस कथा में सहयोग राशि जरूर दो। प्रभु का दरबार लगा हुआ है, यहाँ आकर